आज एक इवेंट है। जब भी बताया कि सरप्राइज दे रहा हूँ। ये रहा सारा सेट। हाँ फिर तो हाँ। अब्दुल्ला जा रहे हैं 8 को। किसी का लंदन हट जाता तो क्या बनता? आपकी शादी होने वाली है। काफी देर से आप लोगों को बताना चाहता था। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बड़े ही अरसे बाद मैंने दोबारा से ब्लॉगिंग शुरू किया, लेकिन अब कर लिया इंशाल्लाह, इस दफा पक्का कर लिया। खैर आज एक इवेंट आया बड़े अरसे बाद हमारे घर में, वो है हीरा की बर्थडे। और हीरा अपने बर्थडे सरप्राइज के लिए रेडी होने जा रही है, क्योंकि इसने मुझे अभी बताया कि सरप्राइज दे रहा हूं। हाँ एग्जैक्टली, दिस इज द प्लान। अभी हीरा मुझे रास्ते में ड्रॉप करेगी सैम की तरफ, और मैं और सैम फिर जाएंगे शॉपिंग करने, साथ साथ जो भी इवेंट है वो मैं आपको दिखाता रहूंगा। तो जी गुलबर्ग हम लोग पहुंच गए हैं, और अभी हम लोग मे भी जाएंगे आउटफिटर्स। मुझे पिक कर लिया सैम ने आधे रास्ते से। अभी हम लोगों की तैयारी बिल्कुल भी कोई नहीं है, यहाँ पे ये देखिए चप्पल वगैरह पहनी हुई है। मैं एक कहने के अल्टरनेटिवली तैयार होकर आया था, वैसे अल्टरनेटिवली तैयार होकर आया था इसलिए कि शायद मुझे यही कपड़े पहनने पड़े, मैं लेट हो जाऊँ। हम लोग आ चुके हैं 1 पे, और यहाँ ऐसे सैम शेख खोलते हैं मेरा दरवाजा आने के लिए। थैंक्स ब्रो। इतनी मायूसी के साथ हमें 1 से वापस आना पड़ा है। 1 से ना ब्लू मून ऐसी कोई हरकत होती है कि 1 पे कोई अच्छा आर्टिकल आ जाए, वो भी कैजुअल फॉर्मल नहीं। अभी हम लोग सिनेमा मॉल के चक्कर लगा रहे हैं, कहीं से हमें कोई अच्छी पोलो शर्ट मिल जाए। ये देख रहे कुछ शर्ट्स, मैं भी देख रहा हूँ। शर्ट ले लिया हमने, वी हैव टू कीप इट दैट वे। खैर मैंने भी शर्ट चेंज कर लिया। इस शर्ट को ऐसे इसलिए पकड़े ताकि इसकी ड्रेस मत खराब हो जाए। हम लोग यहाँ से कुछ फ्रेग्रेंसेस ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कौन सी पसंद आती है, क्योंकि परफ्यूम्स भी खत्म हो चुके हैं। हमारा 2 हफ्ते बाद एक एंड ऑफ द सीजन शॉपिंग टाइम आता है, वो कर रहे हैं फिलहाल। इस वक्त हो चुका हूँ बिल्कुल रेडी, और सबसे बुरी चीज़ तो मुझे लगती है कि अगर मुझे बाहर किसी सलून से रेडी होना पड़े वो मेरा वक्त बिल्कुल ख़राब कर देता है। अभी हम लोग जाएंगे चाय दोस्ती की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, तो हमें वहाँ पर पहुँचना है टाइम टू टाइम। बर्थडे इवेंट स्टार्ट होने वाले कुछ सैम रेडी हो चुका है, पूरे 1 घंटे के बाद इसने फाइनली ये डिसीजन किया कि ग्रीन शर्ट की बजाय ये पहने का आज ये कोई फूलों वाली शर्ट। इट लुक्स गुड। परफ्यूम ख़त्म हो गया था, अभी हमने लिया जे डॉट का। तो यहाँ पे ये चाय दोस्ती बिल्कुल नया बना, पहले उधर था अब इधर है चाय दोस्ती। मेहमान थोड़े बहुत अंदर जा रहे हैं अभी। ये लड़कियाँ हील पहन ले तो ये हाल होता है उनका। ये कौन सा फ़ोन है? 14 घुमा के 13 के ऊपर लग गया। कोई मसला नीचे से ऊपर जाते ही ऊपर से बर्थडे गर्ल। और वो रहा सेटअप, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। ये सबसे पहले की आई हुई है, किस टाइम की आई हुई है? हमेशा की तरह। नहीं मेरे से 15 मिनट पहले। बस मैंने इसको एग्जैक्ट 8 बजे कॉल कर दी थी कि मैं घर से निकल गई हूँ। शी सेड कि शी रास्ते में थी, पत्थरों पर शी सेड शी रास्ते में थी। तो जी ये रहा सेटअप, एंड दैट इज़ फ्रॉम अल अयान इवेंट्स। और ये रहा सारा सेटअप, दैट इज़ सो क्यूट। इस बार हमने सोचा था कि हम लोग थोड़ा सा फ्लोरल बैकग्राउंड रखेंगे, एंड इट लुक्स डेफिनेटली सो गुड। और ये रहा साथ में सी ग्रीन का टच। हियर इज़ द सेटअप, द ओनली गिफ्ट। बिग पीपल। कैसे क्या कर रहे थे आप इतने अरसे से दुबई में? इधर आओ लाइट में। दुबई में धक्के खा रहा हूँ यार मैं। बस ये भी सही है। बिग ब्लॉगर चैनल जब भी नजर आया मुझे, इवेंट्स भी नजर आया। आप बना रहे हैं? मैं भी बनाऊंगा। यहाँ पे हो रही थी कव्वाली, जिसकी वजह से सही से आवाज़ नहीं आ पा रही थी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारे गेस्ट में कौन कौन आ चुका है। हमारे चीफ गेस्ट इधर बैठे हुए हैं अवैस भाई, और साथ में +1 मिशी आप भी। हाफ एट होम। बेटा हमारा। अब तो आप 2.5 हो गए हैं। Another chief guest. क्या? नहीं, सिर्फ आप। और आप? देखा, बेस्ट फ्रेंड वो बैठा हुआ है। ये शफीक भाई तो गायब हो जाते हैं, वो पिछले 1 साल से 1 दिन भी गायब नहीं हुए। मैं भी 3-4 साल से साथ था, मुकदमा दर्ज करूंगा। ये इसके ये दुख लेके बैठ गया भाई। वो 1 घंटे के लिए गायब हुआ था, और मुझे पता जो उसका हाल हुआ था।
अगर आप ऐसे हाल से बचना चाहते हैं तो प्लीज डोंट बी माय बेस्ट फ्रेंड। आप मेरे भाई ठीक है। पहली दफा जिंदगी में ऐसा हो रहा है कि कोई टिकटॉकर अपनी बर्थडे के ऊपर शादी वाला तैयार नहीं होके आई। नाइस। क्या हाँ ये भी सही है। उस दोस्त से लड़कियों में नहीं बैठते और बिल्कुल किनारा किया हुआ है वो सैम शेख, लड़कियों से बिल्कुल दूर और सारी आवाम उधर है और ये अकेले इधर बैठे हुए हैं। मतलब दैट इज सो गुड। मुझे देख के अच्छा लगता है कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग जिंदा हैं। भाई टिकटॉक पे न्यू सेंसेशन आ रही हैं, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ और वो न्यू सेंसेशन मैं ही हूँ। ये तो पुराने हो गए हैं, बहुत पुराने हो गए हैं। नए नए तो आप लोग आए हैं तो छाई जा रहे हैं, छाई जा रहे हैं। तुम कितना खुश हो रही हो, तुम अभी भी नहीं छाई। मैं बी की बात कर रहा हूँ। मेहनत आप बिल्कुल आम टिकटॉकर्स की तरह ही कर रही है लेकिन आपको सोशल मीडिया पे छाई। पहली बात तो मैं टिकटॉकर्स भी हूं, टिकटॉकर्स में से नहीं। आप यूट्यूबर हैं? नहीं, यूट्यूबर भी नहीं हूं। आप क्या हैं? आर्टिस्ट? मैं सिर्फ आर्टिस्ट। वैसे बाकी किस दिन आपकी उनकी आर्ट कांग्रेस शुरू? डेफिनेटली एन आर्टिस्ट, बहुत अच्छी है। दूसरी बात है कि मैं बहुत जल्दी सोशल मीडिया छोड़ने वाली हूं। अच्छी बात है। मैंने सुना आपकी शादी होने वाली है, इज दैट ट्रू? मुझे बुला लेना प्लीज एक महीना पहले। बात की सबसे ज्यादा खुशी होने वाली है, जिस बंदे की जिंदगी सुखी मुझे खुशी है। ये जी ये रहा हमारा आज का केक फ्रॉम cakewale.pk। ये रहे हमारे आज के गिफ्ट सारे और हमारी नहीं खैर हीरा के, बाकी इनवेलप्स हैं वो अभी लेता हूँ। ये चीफ गेस्ट के लिए ज्यादा बारबेक्यू है। बस कर जो एक्चुअल चीफ गेस्ट है उनके कहाँ है बारबेक्यू यार। ये आ गया। अब सबके लिए एक बुरी और एक अच्छी खबर है एक ही टाइम पे। अब्दुल्ला जा रहे हैं 8 को कहाँ पे? UK। ये अब्दुल्ला का बेसिकली फेयरवेल डिनर है। हाँ क्या लंदन जा रहा है? UK नहीं जा रहा। लंदन जा रही है? UK जा रहे हो? मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। इंग्लैंड लंदन हट जाता तो क्या बनता? 18+ हो गया यार, बच्चे भी देखते हैं। लंदन बोला यार, इट्स लंदन। यहाँ पे हमारा इवेंट हो गया, बहुत अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इवेंट के बाद ये हाल होता है खैर। सो गाइस देयर इज समथिंग जो मैं काफी देर से आप लोगों को बताना चाहता था लेकिन मैं इसके लिए स्पेशली एक व्लॉग बनाना था, मैं नहीं बना सका। और सीन इस तरह से है कि हमने एक वेंचर स्टार्ट किया नया, ब्लू स्विस होटल एंड कैफे। वेलकम। हम लोग काफ़ी अच्छे से गायब थे, हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। वो प्रोजेक्ट बेसिकली ये है, तो ये हमारा एक छोटा सा सेटअप है ब्लू स्विस होटल एंड कैफे। जैसा कि ये सेटअप हमारा सारा रेडी हो गया है, ठीक है, और स्टार्ट भी कर दिए हमने। आया आप लोग विजिट करवाते हैं। सबसे पहले तो आप वो देखें ये क्या मार रही बतख है। बतख लगवाई है और ये अलीफ है। नहीं नहीं ये सिंह बारह है, ये बारह सिंह है। सारी सीटिंग है, ठीक है। बेसिकली 100+150 तक, मतलब 100-150 तक यहाँ पे सेटिंग। खैर अभी मैं आपको सारी डिटेल्स नहीं दूंगा, सारी डिटेल्स के लिए मैं स्पेशली एक व्लॉग बनाऊंगा। ये इसका नाम खाली कैफे है लेकिन ये बेसिकली कैफे और रेस्टोरेंट दोनों है। यहाँ पे हमारा ये बारबेक्यू सेटअप है, नाम इसका हमने रखा है स्विस कैफे। एक एक डिटेल आपको दिखाऊंगा लेकिन डिटेल मैं आपको तब दिखाऊंगा जब यहाँ पे मैं स्पेशली अपना व्लॉग बनाऊंगा। ये हमने एक बनाया है पिक्चर बूथ, बेसिकली हमारी एक बड़ी सी एस्थेटिक और नेचुरल सी सेटिंग है और कुछ लोगों के लिए। ये एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी हमारी कि वी वर इनटू इट फ्रॉम पास्ट 6 मंथ्स, अभी अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन कम्प्लीशन और इसके ऊपर कोई ऐसा काम नहीं रह गया जो बाकी रह गया हो। इससे अगला जो व्लॉग होगा वो स्पेशली कैफे के ऊपर हमारा डिटेल्ड व्लॉग होगा, तो उसके अंदर मैं लोकेशन ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ आपको दिखाऊंगा। मेरे से बस आज वेट नहीं हो रहा था कि मैं आप लोगों को बता दूं क्योंकि आज मैंने बड़े अरसे बाद अपना यूट्यूब चैनल दोबारा से स्टार्ट करने का एक प्लान बनाया है, तो मैंने कहा व्हाई नॉट टेलिंग यू एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट, क्योंकि जो मेरा है वो आप सबको डेफिनेटली पता होना चाहिए। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको इसकी लोकेशन, इसके बाकी जो जो हम मेन्यू सर्व कर रहे हैं ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। बस अब बेल्ट्स बांध लें और यहाँ पे आना शुरू करें। इसी के साथ साथ थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कीप सपोर्टिंग मी। मैंने देखा अभी तक इतने अरसे में मेरा कोई सब्सक्राइबर नीचे नहीं गिरा बल्कि बढ़े ही हैं, तो इसी तरह से प्यार करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी इसको लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कॉमेंट्स ढेर सारे करें। बस थैंक यू सो मच।